गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बीमारी के बारे में जो बहुत ही ज्यादा कॉमन है, लेकिन इसके बारे में चर्चा अक्सर लोग नहीं कर पाते हैं, बहुत हिचकिचाते हैं। मैं बात कर रही हूँ पाइल्स के बारे में। तो चलिए आज हम मिलते हैं डॉक्टर फाल्गुनी वर्मा से। ये मुंबई के गोरेगांव रीजन में पिछले 19 ईयर्स से प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये एक लैप्रोस्कोपिक एंड जनरल सर्जन है। हेलो डॉक्टर। तो मेरा पहला सवाल इनसे, तो डॉक्टर ये बताइए कि एनल रीजन में होने वाली कॉमन बीमारियां कौन सी हैं? एनल रीजन में तीन टाइप की बीमारियां होती हैं जो बहुत कॉमन है। एक है पाइल्स, जिसे हम बवासीर या मसा बोलते हैं। दूसरा है फिशर इन एनो, जिसमें वो एरिया में घाव बन जाता है। और तीसरा है फिशुला इन एनो, जिसे हम भगंदर बोलते हैं। अच्छा, तो आज डॉक्टर हमें बताइए पाइल्स क्या है। पाइल्स बवासीर और मसा बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो एनल मतलब मोशन के रास्ते के जो वेसल्स रहते हैं वो बड़े हो जाते हैं और नीचे आ जाते हैं, और साथ में कुशनिंग टिश्यू भी रहता है इस, और वो सूजन के जैसे दिखता है हमको, वहाँ पे उसे पाइल्स बोलते हैं। अच्छा, और फ्रेंड्स पाइल्स को हेमरॉइड्स भी कहते हैं। तो डॉक्टर हमें बताइए कि ये पाइल्स होता क्यों है, इसके कारण क्या है, कॉजेस क्या है? पाइल्स का कोई एक पर्टिकुलर कारण नहीं है। सबसे कॉमन प्रॉब्लम यह है कि हम जो मानव हैं, हम सीधे मतलब अपराइट पोजीशन है हमारा, तो उसकी वजह से वहाँ के जो ब्लड वेसल्स हैं, जो वेन्स बोलते हैं, उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है। सो वो एक प्रॉब्लम है। और जो उसमें कॉन्ट्रीब्यूटिंग प्रॉब्लम्स है कब्ज़, और कब्ज़ है, प्रेगनेंसी है, बहुत टाइम तक मोशन के लिए बैठे रहना टॉयलेट में, ये है। और जो कब्ज है वो बेसिकली ज़्यादा करके अपने लाइफस्टाइल की वजह से होता है, जिसमें इरेगुलर ईटिंग हैबिट्स है, स्पाइसी खाना खाना, आउटसाइड फूड खाना, लेस अमाउंट ऑफ रफेज लेना, रफेज ज़्यादा होना चाहिए, फाइबर्स खाने में कम होते हैं इरेगुलर खाने की वजह से, स्मोकिंग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, जैसे ठीक से नींद नहीं हो रही है, ये सब वजह से कब्ज होती है। और जब कब्ज होती है तो वो एक रीज़न है पाइल्स का। ओके डॉक्टर, तो डॉक्टर ने हमें बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है कि पाइल्स क्यों होता है, तो आप ये सारी चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं। पाइल्स के लक्षण क्या क्या हैं, यानी इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं? पाइल्स यानी बवासीर, उसका उसके लक्षण में सबसे जो कॉमन बात है वो ये है कि पेशेंट को मोशन के टाइम खून जाता है, हो जाता है, ये सबसे कॉमन सिम्टम है। दूसरा जो सिम्टम है कि वहाँ पे पेशेंट को कुछ तो बाहर मतलब स्वेलिंग जैसा महसूस होता है, बाहर आता है वो एक। और जो दर्द है वो बहुत लेट स्टेज में पाइल्स में आता है, दर्द इतना कॉमन सिम्टम नहीं होती। अच्छा, तो क्या लेटरिन जाते समय दर्द होना, ये क्या है पाइल्स का लक्षण है? लेटरिन जाते समय दर्द होना ये पाइल्स में बहुत लेट आता है, लास्ट स्टेज में पेन ज़्यादा दर्द होता है। पर अगर पेशेंट को कोई और वजह से मोशन में दर्द होता है तो वो जब पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है दर्द की वजह से, तो पेशेंट का पाइल्स का फिर डायग्नोसिस हो सकता है। डॉक्टर, क्या पाइल्स के कोई प्रकार हैं, यानी कोई इसके टाइप्स हैं? पाइल्स को प्रकार तो नहीं है, पर पाइल्स को ग्रेड किया गया है, मतलब कितना उसका प्रमाण बड़ा है छोटा है उस हिसाब से। उसमें पहला ग्रेड है उसमें सिर्फ पेशेंट को खून जाता है, बिल्कुल भी स्वेलिंग या कुछ भी बाहर नहीं आता है। ग्रेड टू में पेशेंट को खून जाने के साथ में एक छोटा सा स्वेलिंग मोशन करने के टाइम बाहर आ जाता है सूजन, जो अपने आप अंदर चले जाता है। ग्रेड थ्री में पेशेंट को खून जाने के साथ साथ में वो लाइक मोशन के टाइम में वो एक सूजन बाहर आती है, लेकिन वो पेशेंट को खुद से अपने आप अंदर डालना पड़ता है, वो अपने आप अंदर नहीं जाती है। और ग्रेड फोर जो है उसमें वो जो सूजन है वो बाहर आ जाती है, बहुत बड़ी हो जाती है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, उसको ग्रेड फोर बोलते हैं। ओके, तो डॉक्टर ने हमें बहुत ही अच्छे तरीके से पाइल्स की ग्रेडिंग समझाई है। क्या पाइल्स एक सीरियस बीमारी है? पाइल्स अपने आप में एक कोई सीरियस बीमारी नहीं है। उसका पाइल्स की वजह से पेशेंट को शरीर में खून की कमी हो सकती है, जिसको अनीमिया बोलते हैं। पर पाइल्स का जांच इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पाइल्स
मोशन के रास्ते से खून जाना है, ये सिर्फ पाइल्स में नहीं होता है, ऐसी बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो सीरियस है, जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस है, कैंसर है, जो जिसका कि आगे ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए पाइल्स का जो जब भी आप पेशेंट को मोशन से खून जाता है तो डॉक्टर के पास जाके जांच कराना इसलिए ज़रूरी है कि अगर वो पाइल्स नहीं है, कुछ और है, तो फिर उसकी उसका ट्रीटमेंट पता चल सकता है, और उसका ट्रीटमेंट ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। तो डॉक्टर, क्या पाइल्स कैंसर में बदल सकता है? पाइल्स कभी भी खुद से कैंसर में नहीं बदल सकता है, लेकिन पहले जैसे मैंने कहा वैसे वहाँ से अगर खून जा रहा है तो पेशेंट को कभी कभी लगता है कि मुझे पाइल्स है, पर समझो वहाँ कैंसर है या कुछ और जख्म है, अल्सर है, तो वो बढ़ते जाएगा और पेशेंट जब तक डॉक्टर के पास पहुँचेगा तब तक बहुत लेट हो सकता है। तो डॉक्टर, हमारा लास्ट सवाल आपसे ये है कि पाइल्स को दिखाने या पाइल्स की जाँच करवाने किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए? पाइल्स की जांच कराने के लिए आपको जनरल सर्जन, प्रॉक्टोलॉजिस्ट, एनोरेक्टल सर्जन, ये टाइप के डॉक्टर्स के पास जाना है। ओके फ्रेंड्स, तो डॉक्टर ने आज हमें पाइल्स को बहुत ही आसान तरीके से समझाया है। तो आज के इस सेशन में हमने ये सीखा है कि पाइल्स होता क्या है, पाइल्स के लक्षण क्या हैं, इसके कारण क्या हैं। हमारे अगले वीडियो में यानी कि पार्ट टू में हम बात करेंगे पाइल्स की डायग्नोसिस पे, इसके क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं और इससे बचा कैसे जा सकता है, यानी प्रिवेंशन के बारे में। तो स्टे ट्यून्ड और पार्ट टू देखना ना भूलें। आई होप आज का ये सेशन हेल्पफुल रहा हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ इसे शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस लोगों में बढ़ाइए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।